नमस्कार, मेरा नाम अंजू है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अभी जेएनयू यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूँ। गोल्डन आई शेफ कुकिंग कंपटीशन 2020 में हो रहे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये वीआई पर्सन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो आज मैं इलेक्टिव फूड यानी बचे हुए खाने का कुछ नया रूप देने जा रही हूँ। जनरली हम सभी के घर में रात का बचा हुआ चावल, रोटी, दाल कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो उसको हमें फेंकना पड़ता है या बाद में कोई उसको जानवरों को देना पड़ता है, बाद में कोई खाता नहीं है। तो आज हम उसी बचे हुए आज मेरे घर में बची हुई रोटी है रात की, तो आज मैं उसी का कुछ टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जो हम क्या कहते हैं सुबह के नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या स्नैक्स में हम खा सकते हैं। और ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाला है और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आइए हम अपना नाश्ता बनाने की ओर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि आज हमें कहते इलेक्टिव फूड बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत है। तो आज हमें क्या कहते हैं, आज हमारे पास रात की बची हुई बासी रोटी थी, तो उसको हमने टुकड़ों टुकड़ों में काट लिया है, एक कटोरी लगभग है ये। और हमने क्या कहते हैं आलू और बीन्स को हमने तेल में थोड़ा फ्राई कर लिया है ताकि थोड़ा क्रंची स्वाद आए जब हम उसको बनाएं। और ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, और ये टमाटर कटा हुआ बारीक, और ये प्याज थोड़ा हमने बारीक काटा है, फिर थोड़ा हमने फाइनली चॉप किया है ताकि वो क्रंचनेस आ जाए। और हमने सोयाबीन लिया है, सोयाबीन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है सोयाबीन का। और ये हमने कटी बारीक हरी मिर्च ली है, दो तीन कटी बारीक मिर्च, हरी मिर्च है। और ये हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको हमने तेल में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, भून लिया है ताकि बहुत अच्छा स्वाद आता है। और मसालों में हम देख लेते हैं मसालों में हम क्या यूज करेंगे। हमने जीरा लिया है तड़के के लिए, और हमने मैगी मसाला लिया है, और लाल मिर्च लिया है, और थोड़ी सी काली मिर्च लिया है। तो हम इन्हीं सामग्रियों के साथ हम क्या कहते हैं बनाने जा रहे हैं टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई मैंने रख दिया है, तेल डालेंगे, तेल हम होने देंगे थोड़ी देर गरम। तेल हमारा गरम हो रहा है और ये नाश्ता बहुत हेल्दी होता है हमारे, क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, तो वेजिटेबल हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। और इसमें हम सोयाबीन यूज कर रहे हैं, नट्स यूज कर रहे हैं, मूंगफली यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा तेल हो रहा है, तब तक हम क्या कहते हैं हमारा तेल हो चुका है, तो हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरे को हम थोड़ा चटकने देंगे, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम इसे बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर डालेंगे। इसको हम चला लेंगे। प्याज को ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे पकाएंगे, क्योंकि जब हम खाने में थोड़ा क्रंचीनेस आता है, थोड़ा अच्छा लगता है आधा कच्चा आधा पक्का, तो जब मुंह में आ रहा है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो हम उसको ज्यादा पकाएंगे नहीं, ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का क्रंचीनेस रहेगा।
कहते हैं सुबह सुबह नाश्ते में हम झटपट बना सकते हैं, कि सुबह से मोस्टली सबको देर होता है, सबको ऑफिस जाना होता है, सब किसी को स्कूल जाना होता है। अभी तो खैर लॉकडाउन हो रखा है, अभी तो खैर बाहर नहीं निकलना चाहिए, निकलना भी नहीं, अभी तो नहीं निकलना चाहिए। तो फिर भी क्या कहते हैं, हम घर में रहते हैं तो हम ऐसे बची हुई रोटियां हमारे पास बच जाती हैं, तो हम ऐसे टेस्टी नाश्ता हम बना सकते हैं, जिससे रोटियां भी वेस्ट नहीं होंगी और उनका यूज भी हो जाएगा और हेल्थ की हेल्थ बनेगी और टेस्ट का टेस्ट। तो हमारा प्याज पक गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि थोड़ा क्रंचीनेस रहना चाहिए। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल रहे हैं सॉरी, टमाटर थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और हम इसमें क्या कहते हैं, शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, इसको हम डाल देंगे। तो हम थोड़ा पका लेंगे क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ा सा क्रंच में होना चाहिए, थोड़ा पक जाए, कुछ हो जाए सब्जियां। और हमने पहले से ही हमने आलू और बीन्स को हमने तेल में थोड़ा फ्राई कर लिया था ताकि ये क्रंचीनेस रहे थोड़ा सा और बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे, क्योंकि हमने जितने भी टमाटर प्याज और शिमला मिर्च जल्दी से कुक हो जाता है लेकिन आलू जल्दी से कुक नहीं होता है, इसलिए हमने इसको पहले थोड़ा फ्राई कर लिया है ताकि जल्दी से कुक उसमें मिल जाए। बहुत अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें हम ये सारी सब्जियां डाल देंगे, आलू और बीन्स। कितना अच्छा कलर आ रहा है, कलरफुल लग रहा है। और मसालों में हम क्या कहते हैं, चाट मसाला आलू डालेंगे। ये हमने सोयाबीन लिया था, सोयाबीन डालेंगे इसमें। सोयाबीन को पहले हमने पानी में थोड़ा भिगो दिया था क्योंकि सोयाबीन तेल अब्सॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हमने पहले इसको पानी में भिगो दिया था, फिर इसको हम फ्राई कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा आ रहा था और तेल भी अब्सॉर्ब नहीं करेगा। इसे फर्दर हम ढककर पकाएंगे ताकि जल्दी से पक जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से हमारी सब्जियां कुक जल्दी हो जाए। इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं, आप नमक पहले भी डाल सकते हो बाद में डाल सकते हो, बस आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम कितना डाल रहे हैं। तो मैं पहले नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा ताकि सब्जी हमारी जल्दी से कुक हो जाए। Gracias.
देते हैं ताकि जल्दी से कुक हो जाए भाप से। बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलाकर देख लेते हैं कैसा। बहुत खुशबू आ रही है, हमारी सब्जियाँ देखिए जो अच्छी तरह कुक हो गई हैं। अब इसमें हम जो हमने रोटियाँ, हमारी बची हुई रोटियाँ थी, इनको हमने तोड़ लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में, हम इनको डाल देते हैं। और इसके साथ हम मसाले भी डाल देते हैं क्योंकि मसाले इनके साथ कुक हो जाएं। ये हमने मसाले लिए थे, ये हम सारे एक साथ डाल देते हैं। बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। हम और भी मसालों का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने मैगी मसाला लिया था, आप चाट मसाला भी हम दे सकते हैं। और अगर जितने मनपसंद मसाले यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं भी मैगी मसाला यूज कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा आता है। और इसे हम चाइनीज स्टाइल देने के लिए हम इसमें सिक्का, बहुत सिक्का डाल सकते हैं और सोया सॉस डाल सकते हैं। और हमारे पास मूंगफली के दाने हमने रोस्ट कर लिए थे, भून लिया था इसको हल्का हमने, तो ये भी हम डाल देते हैं। थोड़े हम पकाएंगे, हमने नमक पहले ही डाल दिया था। फैला देते ताकि जल्दी से कुक हो जाए। ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। और जैसे हमें शाम को भूख लग जाती है तो हम सोचते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, तो रोटियां जनरली बची रहती हैं रोटी, तो हम ऐसे सब्जियों को काट कर चाहे अभी तो हमने सब्जियों का, हमें और भी सब्जियों का इसमें यूज कर सकते हैं। मटर यूज कर सकते हैं, पत्ता गोभी यूज कर सकते हैं और जितनी भी सब मनपसंद सब्जियां यूज कर सकते हैं। मैंने इन सब्जियों का यूज किया है, तो थोड़ी देर हम कुकर लेते हैं अच्छे से। हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत क्रंची बहुत डिलीशियस बन रहा है। और कभी हमारा चटपटा खाने का मन करे तो हम बना सकते हैं, सोचते हैं हम क्या बनाए। तो ये मैं अपने घर में अक्सर बनाती हूँ और मेरे फैमिली में सबको बहुत पसंद आता है। तो ये बनकर रेडी हो चुका है और हम इसको सर्व करेंगे। इसको हमने प्लेट हमने पहले सजा लिया था, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा क्रिस्पी भी है बहुत। ये देखिए इसको हम सर्व करेंगे, हमने गैस बंद कर दिया है और हमने गार्निशिंग के लिए यहाँ पे हमने यह धनिया लिया है, हमने थोड़ी गार्निशिंग कर देंगे
और हमने यहाँ थोड़े नमकीन लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और हमने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं। तो ये हमारा टेस्टी इंस्टेंट नाश्ता बनकर तैयार हो गया, और ये खाने में जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए और हमारे क्या कहते हैं, और क्योंकि हमारे घर में बचा खाना बच जाता है तो हमें फेंकना पड़ता है, तो सिर्फ हम यहाँ से टेस्टी नाश्ता बनाकर हम उसका यूज़ कर सकते हैं और नई नई रेसिपी का यूज लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसको हमारे घर में तो लोग सब बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत टेस्टी और लजीज बना है। और ये सुबह चाय के साथ, हम सॉस के साथ या दही के साथ या ग्रीन चटनी, धनिया की चटनी के साथ अब मिक्स करके खाइए, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, सुबह नाश्ते में, चाय में, क्योंकि हमने इसे बहुत सारी सब्जियां यूज़ की हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, और हमने उन्हीं सब्जियों का यूज़ किया है जो हमें आसानी से हमारे घर में मिल जाती हैं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा है तो हम बाहर जा नहीं सकते, तो हमारे घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल थी आप उससे हम इसे बना बना सकते हैं। धन्यवाद।